नमस्कार, मैं कल्पना। मेरा सब्जेक्ट समाजशास्त्र। मेरा आज का टॉपिक समूह है, ग्रुप। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बेशक वह रहता समाज में है, परंतु वह समाज की अनुभूति ही करता है, उसे देख या महसूस नहीं कर सकता है। लेकिन क्योंकि समूह जो होता है वो समाज में होता है, और समाज को जैसे कि भी हम देख नहीं सकते, समाज सामाजिक संबंधों से बनता है, वैसे ही समूह जो है वो समाज के अंदर होता है, और वो हमें मतलब हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति हम समूह के माध्यम से ही करते हैं। आवश्यकता समूह जो होता है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किसी न किसी समूह के माध्यम से ही करता है। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि समूह बेशक छोटा होता है, परंतु समाज के प्रतिनिधि के रूप में हम उसे देख सकते हैं। इसलिए समूह का समाजशास्त्रीय महत्व है, और इसे हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। हमारे लिए ज़रूरी है इसको समझना बेहतर ढंग से। समूह के निर्माण के लिए पारस्परिक जागरूकता तथा समान लक्ष्य का होना अनिवार्य होता है, या ये कह सकते हो कि ये दो मुख्य समूह की विशेषताएं होती हैं। पारस्परिक जागरूकता, समूह में जो व्यक्ति होते हैं उनके बीच में आपसी सामंजस्य होना चाहिए, आपसी पारस्परिक जागरूकता का होना बहुत ज़रूरी है, और समूह के व्यक्तियों में का एक समान लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है, तभी समूह का निर्माण हो पाता है। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार समूह से तात्पर्य प्राणियों के संकलन तथा सामाजिक संबंध होने से है, सामाजिक संबंध स्थापित होने से है। मैकाइवर पेज जो है वो समाजशास्त्र में समाज ले लो, चाहे समूह ले लो, चाहे समुदाय ले लो, वो सामाजिक संबंधों को बहुत महत्व देते हैं, और उनका ये मानना है कि जहाँ सामाजिक संबंध व्यक्तियों के इकट्ठा होने से सामाजिक संबंध स्थापित हो जाते हैं, वहाँ समूह का निर्माण होता है। C.H. कुले विद्वान हुए हैं, उन्होंने दो प्रकार के समूह बताए हैं, प्राथमिक समूह है तथा द्वितीयक समूह है। प्राथमिक समूह की जो विशेषता उन्होंने मानी है वो ये मानी है कि प्राथमिक समूह का छोटा आकार होता है, हम की भावना होती है, और आमने सामने के घनिष्ठ संबंध होते हैं। तो इस प्रकार छोटा आकार, हम की भावना, या पारस्परिक जो घनिष्ठता की, जो आपस में जो लगाव की भावना वाले, जो आमने सामने के घनिष्ठ संबंधों से युक्त समूह होता है, उसे हम प्राथमिक समूह कहते हैं। कूले ने परिवार, पड़ोस तथा क्रीड़ा समूह को प्राथमिक समूह के अंतर्गत रखा है। इन तीन को उन्होंने, परिवार, पड़ोस तथा क्रीड़ा समूह को उन्होंने प्राथमिक समूह है माना है। सेकंड जो द्वितीयक समूह है वो वृहद आकार वाले स्वार्थ पूर्ति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण समूह है, द्वितीयक समूह कहलाते हैं। जैसे कि कार्यालय के सहकर्मी, कॉलेज आदि, जहाँ क्या है, जिनका बड़ा आकार होता है, बहुत से अननोन लोग होते हैं, और स्वार्थ पूर्ति के दृष्टिकोण से वो आपस में मिलते हैं, वहां द्वितीयक समूह है, द्वितीयक समूह का निर्माण होता है। इसके बाद में जो, तो इस प्रकार से प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में डिफरेंस अगर हम करें तो प्राथमिक समूह का आकार लघु आकार होता है, द्वितीयक समूह का वृहद आकार होता है। प्राथमिक समूह सरल समाजों में प्रभावशाली होते हैं, द्वितीयक समूह जटिल समाजों में प्रभावशाली होते हैं। प्राथमिक समूह में अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं, कहने का मतलब जहां फॉर्मेलिटी एक तरह से नहीं होती है, आपस में लगाव होता है। दूसरा है द्वितीयक समूह है, वहां औपचारिक फॉर्मेलिटी वाले संबंध पाए जाते हैं। प्राथमिक समूह में समान उद्देश्य होता है, द्वितीयक समूह में विभिन्न उद्देश्य होते हैं। प्राथमिक समूह में सामूहिकता की भावना होती है आपस में, द्वितीयक समूह में व्यक्तिवादिता की भावना होती है, इंडिविजुअलिज्म होता है, व्यक्ति का अपने पे फोकस होता है। इसके बाद में समनर जो विद्वान हुए हैं उन्होंने दो प्रकार के समूह हैं बताए हैं, अंतर समूह है तथा बाह्य समूह है। इन्होंने अपनी पुस्तक फोकवेज में अंतर समूह, बाह्य समूह है को परिभाषित किया है। इन्होंने बताया है कि व्यक्ति अपने तथा पराये का जिसमें भाव रखता है, हम व्यक्ति का अंतर समूह होता है, वहीं वो व्यक्ति का बाह्य समूह होता है। परंतु अंतर समूह तथा बाह्य समूह की भावना निश्चित या स्थिर नहीं होती है, ये समय स्थान संदर्भ आदि से बनती बदलती
रहती है। उदाहरण के लिए जब व्यक्ति कहता है हम भारतीय, तब उसका अंतर समूह पूरे भारत के लोग होते हैं, परंतु दूसरे क्षण संदर्भ बदलते ही वह कहता है हम उत्तर भारतीय तथा वह दक्षिण भारतीय। यहाँ जो थोड़ी देर पहले अंतर समूह था वह अभी बाह्य समूह हो गया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि व्यक्ति अंतर समूह से हम की भावना, निकटता, सहयोग तथा निष्ठा का भाव महसूस करता है, वहीं बाह्य से परायापन, दूरी, प्रतिस्पर्धा आदि का भाव महसूस करता है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो समूह है वो है संदर्भ समूह। इसकी जो अवधारणा दी है वो दी है विद्वान समाजशास्त्री हर्बर्ट हाइमन ने। इन्होंने द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में इस अवधारणा को विकसित किया और इसका समाजशास्त्री व्याख्या का जो श्रेय जाता है वो आर के मर्टन को जाता है। इनके अनुसार, हाइमन के अनुसार, ये वह समूह है जिसे आधार मानकर व्यक्ति अपना मूल्यांकन करता है तथा अपने आप को समूह की तरह बनाने का प्रयास करता है या उस समूह में शामिल होने की इच्छा रखता है कि भाई वो फलाना समूह है, उसको वो अपना आइडियल मानता है या उसको वो अपने जिस समूह में रह रहा है उससे वो उच्च मानता है कि अगर वो उस समूह में शामिल होता है तो वो कुछ ज़्यादा उसके मतलब पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा या उस समूह का सदस्य अगर वो बन जाता है तो वो उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ये कहलाता है संदर्भ समूह। इस प्रकार जो कुछ समूह हैं समाजशास्त्र में बताए गए हैं जो हमारे हम समाज में भी इनको अपने ऊपर एक तरह से इनका सदस्य होते हैं और इनको इनमें जो भी गतिविधियां होती हैं अपने ऊपर इनको लागू करके देखते हैं। इस तरह से समूह हमारे लिए समाज में बहुत ही महत्व रखता है और ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में बहुत सहायक होता है। समाज, चूंकि ये समाज का प्रतिनिधि होता है, इसलिए हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति समूह के माध्यम से होती है। ये मेरा टॉपिक आज का कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।